यार इसके लिए और डंडियां चाहिए। कितनी लंबी? बहुत आसान है यार, एक फुट इधर से एक फुट इधर से, पाइथागोरस थ्योरम से विकर्ण निकाल ले। दो का वर्गमूल तो कितना आया? अरे ये तो अच्छी बेवकूफी है। नहीं यह बेवकूफी नहीं है, ये अपरिमेय संख्याएं हैं। पाइथागोरस विचारधारा के लोग इन्हें गुप्त रखना चाहते थे। वो ये मानते थे कि अपरिमेय संख्याओं के बारे में बात करने से भी अपशकुन होता है। उनका तो यह भी मानना था कि यूनानी गणितज्ञ हिप्पोक्रेट्स का जहाज इसीलिए डूबा था क्योंकि उसने इन्हें गुप्त नहीं रखा था। कितनी लंबी? बहुत आसान है यार, एक फुट ये, इसका कर्ण 2 का वर्गमूल होगा। अरे ये तो वही पुरानी कहानी है यार। नहीं यार, हमें यह वाला कर्ण चाहिए, यानी 2 + 1 का वर्गमूल, यानी 3 का वर्गमूल। और ये क्या हुआ? यह वही पुरानी बात है, 3 का वर्गमूल भी एक अपरिमेय संख्या है। मैंने तो कहा ही था कि ये बेवकूफी है। नहीं ये बेवकूफी नहीं है, अपरिमेय का मतलब है जो परिमेय ना हो। परिमेय शब्द हमें रेशियो अथवा अनुपात से मिला। जो संख्याएं a/b के रूप में लिखी जा सकती हों, जहां a और b पूर्ण संख्याएं हैं और b शून्य के बराबर नहीं है, उन्हें हम परिमेय संख्याएं कहते हैं। अपरिमेय संख्याएं इस रूप में नहीं लिखी जा सकती। 2 का वर्गमूल और 3 के वर्गमूल के अलावा भी अपरिमेय संख्याएं होती हैं। क्या आप 1 और 20 के बीच में और अपरिमेय संख्याएं बता सकते हैं? ये क्या चल रहा है? हम इस समस्या को हल कर रहे हैं। पर समस्या है क्या? ये बच्चे वृत्त से बने वर्ग की भुजा नापने की कोशिश कर रहे हैं, यानी वृत्त से वर्ग बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो बहुत आसान है, वर्ग की परिमाप वृत्त की परिधि के बराबर है। तो भुजा होगी 2πr/4। क्या आप भुजा का सही माप ज्ञात कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि यह एक अपरिमेय संख्या है। बहुत सदियों पहले भारत के एक महान गणितज्ञ ने यह सिद्ध किया कि किसी भी वृत्त की परिधि और उसके व्यास में एक निश्चित अनुपात होता है। इसे हम पाई से व्यक्त करते हैं, जो कि एक अपरिमेय संख्या है। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि किसी भी परिमेय संख्या के दशमलव निरूपण में या तो शांत दशमलव होते हैं या आवृत दशमलव होते हैं, परंतु किसी भी अशांत और अनावृत दशमलव को हम परिमेय संख्या नहीं कह सकते। यह एक अपरिमेय संख्या होती है और पाई उनमें से एक है। 1 और 20 के बीच में बहुत सारी अपरिमेय संख्याएं हैं, आप जितनी चाहें उन्हें ज्ञात कर सकते हैं। यह तो आप जानते ही हैं कि एक अपरिमेय संख्या
अशांत अनावृत दशमलव होती है, इसीलिए इसका सही आंकलन नामुमकिन है। हम इनका लगभग मान लेते हैं और लगभग मान हम आवश्यकता के अनुसार लेते हैं। जैसे कि एक सिविल इंजीनियर की तुलना में एक परमाणु वैज्ञानिक को अधिक सही मान की आवश्यकता होती है। पाई का लगभग मान 3.14 अथवा 22/7 लिया जाता है। 22/7 इसका परिमेय संख्या के रूप में लगभग मान होता है। 2 के वर्गमूल का लगभग मान 1.4 लिया जाता है और 3 के वर्गमूल का मान 1.7 लिया जाता है। किसी भी संख्या के 4 स्थान तक सन्निकट मान लेने के लिए हम उसकी 5वीं संख्या को देखते हैं। यदि वह 5 या 5 से अधिक हो तो 4थी संख्या में 1 जोड़ दिया जाता है और यदि वह 5 से कम हो तो कुछ न करकर 4 स्थान तक संख्या को लिया जाता है। परिमेय तथा अपरिमेय संख्याएं मिलकर वास्तविक संख्या निकाय बनाते हैं जो कि हमारे दैनिक जीवन में सबसे ज्यादा महत्व रखते हैं। इस संख्या निकाय पर हम गणित की चारों मूलभूत संक्रियाओं को परिभाषित कर सकते हैं, जैसे जमा, घटा, गुणा और भाग। शून्य से भाग परिभाषित नहीं है। उदाहरण के लिए 3 का वर्गमूल जमा 3 का वर्गमूल बराबर है 2 गुणा 3 का वर्गमूल। 3 का वर्गमूल गुणा 2 का वर्गमूल बराबर है 6 का वर्गमूल। 3 का वर्गमूल भाग 3 का वर्गमूल बराबर है 1 के। और 3 का वर्गमूल घटा 3 गुणा 3 का वर्गमूल बराबर है -2 गुणा 3 के वर्गमूल के। गणितज्ञ अपरिमेय संख्याओं पर चारों मूलभूत संख्याओं को परिभाषित करके संतुष्ट नहीं थे, वे इनकी गहराई में जाना चाहते थे। इस गहराई का एक अंश हमें पाइथागोरस के 2 शताब्दी बाद यानी ईसा पूर्व 4थी शताब्दी में प्राप्त हुआ। यूडॉक्सिस नामक एक गणितज्ञ ने यह सिद्ध किया कि एक इकाई भुजा वाले समकोण समविबाहु त्रिभुज के कर्ण का सही आंकलन करना असंभव है। पाइथागोरस ने यह सिद्ध किया था कि किसी भी समकोण त्रिभुज की भुजाओं पर बने वर्गों के क्षेत्रफलों का योग उसके कर्ण पर बने वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर होता है। यूडॉक्सिस ने यह सिद्ध किया था कि क्षेत्रफल और लंबाई के परिमाणों की तुलना नहीं की जा सकती। आज के गणितज्ञ 2 के वर्गमूल और 17 के वर्गमूल जैसी अपरिमेय संख्याओं के बारे में अधिक जानते हैं। इन संख्याओं को कर्णी कहते हैं। पाई और ई जैसी अपरिमेय संख्याएँ कर्णी नहीं होती। वास्तव में यदि ए और एन 2 घनात्मक परिमेय संख्याएं हैं और 0 के बराबर नहीं हैं, तो ए का एनवां मूल मूलांक एन की करणी कहलाता है। ए उसकी करणी गत राशि और एन उसका मूलांक होता है। घातीय संकेतन में ए के एनवें मूल को ए की घात 1/n के रूप में लिखा जाता है और घातांकों के सारे नियम करणियों पर सिद्ध होते हैं। 3 × 3 को 3 की घात 2 लिखा जाता है। 3 × 3 × 3 को 3 की घात 3 लिखा जाता है। 3 × 3 × 3 × 3 × 3 को 3 की घात 5 लिखा जाता है और 3 के वर्गमूल को 3 की घात 1/2 लिखा जाता है। आपको याद होगा कि घातांकों के नियम हैं a की घात m × a की घात n = a की घात m·n के, a की घात m · a की घात n = a की घात m·n के, a की घात m·n = a की घात m·n के, a की घात 0 = 1 के और a की घात −n = 1 के भाग a × a × a × a n बार के। घातांकों के नियम गुणा और भाग के लिए परिभाषित होते हैं, जमा और घटा के लिए ये परिभाषित नहीं है। यदि आधार अलग अलग हों तो जमा व घटा के रूपों को सरल नहीं किया जा सकता। उदाहरण के लिए 2 की घात 1/2 जमा 3 की घात 1/4 को हम सरल नहीं कर सकते। और उदाहरणों के लिए अब आप अपनी पाठ्य पुस्तक पर नज़र डालिए।
इस प्रोग्राम में हमने देखा कि उन संख्याओं को जिन्हें a बटा b के रूप में लिखा जा सकता है जहां a और b पूर्णांक हैं और b शून्य के बराबर नहीं है, उन्हें हम परिमेय संख्याएं कहते हैं। सभी लंबाइयों को नापने में और सभी संख्याओं को लिखने में परिमेय संख्याएं पर्याप्त नहीं हैं। दशमलव निरूपण में परिमेय संख्याएं शांत अथवा अशांत आवृत दशमलव होते हैं। अशांत अनावृत दशमलव संख्याओं को अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। 2 के वर्गमूल और 17 के वर्गमूल जैसी अपरिमेय संख्याओं को कर्णी कहा जाता है। कर्णी 1 के nवें मूल को 1 की घात 1/n के रूप में लिखा जा सकता है। घातांकों के सारे नियम कर्णियों पर परिभाषित होते हैं। अपरिमेय संख्याएं और परिमेय संख्याएं मिलकर गणित के सबसे अधिक उपयोगी वास्तविक संख्या निकाय को मनाती हैं। प्रकाशित करने राहों को आलोकित करने हम अपना दीपक स्वयं बने हम अपना रास्ता स्वयं चुने जीवन ये प्रकाशित करने राहों को आलोकित करने कभी पढ़े हम कहीं पढ़े वे विषय की लोच से युक्त हो कभी पढ़े हम कहीं पढ़े वे विषय की लोच से युक्त हो मित्रों हम उठे और जागे ये प्रकाशित करने राहों को आलोकित करने हम अपना रास्ता स्वयं चुने कोई मन जहां की चुने हम अपना रास्ता स्वयं चुने कोई मन जहां की चुने हम अपना रास्ता स्वयं चुने।
प्रकाशित करने, राहों को आलोकित करने। हम अपना दीपक स्वयं बने, हम अपना रास्ता स्वयं चुने। कभी पढ़े हम कहीं पढ़े वे विषय की लोच से युक्त हो, मित्रों हम उठे और जागे, मंजिल आने की ध्वनि सुने। हम अपना दीपक स्वयं बने, हम अपना रास्ता स्वयं चुने। कोई मन चाहा केंद्र sticks for this. How long? Simple, yaar. 1 foot this side, 1 foot this side. Use Pythagoras theorem to find the diagonal. Root 2. So, how much is it? 2. No, it's not stupid. Such numbers are called irrational numbers. Pythagoreans wanted to keep irrational numbers a secret. They thought it would bring us bad luck even if we talked about them. They also believed that Hippocrates, a famous mathematician, was shipwrecked because he revealed the secret of irrational numbers. Stable. You need one or two more sticks for this. How long? Simple, yaar. This is 1 foot, so the diagonal is square root of 2. This is the same old story, yaar. No, yaar. We need this diagonal, that is root 2 square plus 1 square under the root, that will be root 3. Yes, it is the same old story.
root 3 is also an irrational number. I told you, it's stupid. No, it's not stupid or illogical. Irrational means not rational. The word rational comes from the word ratio. That is, any number which can be put in the form a by b, where a and b are integers and b is not equal to 0, is a rational number. Irrational numbers cannot be put in this form. Root 2 and root 3 are irrational numbers. Can you think of more irrational numbers between 1 and 20? Hey, what's happening? Shh! They're solving this problem. But what is the problem? Well, they are trying to square a circle. That is, they are trying to find the side of a square using the circular rope. Very easy, yaar. Perimeter of the square equals to the circumference of the circle. So, the side equals to 2 pi r upon 4. Can you find the exact value of the side? No, you can't, because pi is an irrational number. Long ago, a famous Indian mathematician, Aryabhatta, found that the circumference and the diameter of a circle bears a constant ratio. We denote this number by pi. It is an irrational number. That is, its decimal places are non-terminating and non-recurring. You know very well that a terminating or a recurring decimal is a rational number, whereas any decimal which is neither terminating nor recurring is an irrational number. That is, such a decimal cannot be put in the form of a ratio. Pi is one such number. You can find as many irrational numbers as you feel like. That is, there are infinite number of irrational numbers between 1 and 20. You already know that irrational numbers are non-terminating, non-recurring decimals, so their exact value cannot be found. We approximate their value up to a certain number of places. The degree of approximation depends on the level of accuracy required. A nuclear scientist, for example, has to be more accurate as compared to a civil engineer. Your friends could use the value pi as 3.14 or in the ratio form 22/7. 22/7 is an approximate value of pi. Root 2 can be approximated as 1.414 or as 1.4. Root 3 could be approximated as 1.73. To round off a decimal, say up to 4 places, we look at the 5th place. If it is more than 5 or 5, we add 1 to the 4th digit, or if it is less than 5, we simply leave the whole number and write the number up to 4 digits. Rational numbers together with the irrational numbers forms the most important set of number systems, that is the real numbers. They are used maximum in day-to-day life. We can perform all the 4 mathematical operations of addition, subtraction, multiplication and division on the set of real numbers, except, of course, division by 0, which is not defined. For example, root 3 plus root 3 is equal to 2 root 3. Root 3 into root 2 is equal to root 6. Root 3 divided by root 3 is equal to 1. And root 3 minus 3 root 3 is equal to minus 2 root 3. Mathematicians are not happy by just gaining mastery over the 4 mathematical operations. They always need a deeper insight into the topic. The deeper insight into irrational numbers came in the 4th century BC, that is 2 centuries after Pythagoras. A mathematician named Eudoxus pointed out that it was not possible for us to find the length of the hypotenuse of a unit isosceles right-angled triangle. In fact, what Eudoxus pointed out was the fact that the dimensions of area and length are not comparable. Today's mathematicians have a much better insight into irrational numbers like root 2 and root 17.
Such irrational numbers are called radicals. In fact, any number of the form nth root of a, where a and n are both positive, is a radical. Irrational numbers like e and pi are not radicals. In the exponent notation, nth root of a is written as a to the power 1 by n. And the laws of exponents are equally valid here. What Eudoxus pointed out was that the dimension 2 is an exponent or index 2. That is, 2 into 2 is equal to 2 square. The square is the dimension which Eudoxus talked about. 2 into 2 into 2 is 2 cube. So the dimension 3 is that of volume. The exponent laws state that a to the power m into a to the power n is equal to a to the power m plus n. A to the power m divided by a to the power n is equal to a to the power m minus n. A to the power m whole to the power n is equal to a to the power m into n. And we define a to the power 0 as 1 if a is not equal to 0. Here, m and n can be any real numbers. We also define a to the power minus n as 1 upon a to the power n, which is equal to 1 upon a into a into a into a n times. Let's take some examples. 3 into 3 is equal to 3 square. 3 into 3 into 3 is 3 cube. 3 into 3 into 3 into 3 into 3 is equal to 3 to the power 5. Likewise, root 3 is equal to 3 to the power half. Cube root of 2 is 2 to the power 1 by 3. Fifth root of 7 is equal to 7 to the power 1 by 5, and so on. The laws of exponents are valid for products and quotients. If the bases are different, we cannot add or subtract the radicals. For example, 2 to the power half plus 3 to the power 1 by 4 cannot be simplified further. For more details and more examples, please refer to your text and solve the questions given there. Thus, we now know that rational numbers are those numbers which can be put in the form a by b, where a and b are integers and b is not equal to 0. Rational numbers are not sufficient to measure all lengths or represent all numbers. In the decimal form, rational numbers are either terminating or non-terminating but repeating decimals. Irrational numbers are non-terminating, non-repeating decimals. Irrational numbers like root 2, fourth root of 3, cube root of 7 are called radicals. Radical of the form nth root of a is written as a to the power 1 by n in the exponential notation. The laws of exponents are all valid for radicals too. The rational numbers together with the irrational numbers form the most widely used mathematical concept and number systems, the system of real numbers.